नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। उपासना यानी धर्म, आध्यात्म और भक्ति की ओर जाने का एक रास्ता। इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए उन तक पहुंच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उपासना और देखते हैं भक्ति तरंग, जिसमें होगी हर धर्म हर मजहब से जुड़ी खबरें। धर्मनगरी हरिद्वार से 25वीं भगवान विश्वनाथ जगदीशिला देव डोली यात्रा की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में भगवान विश्वनाथ जगदीशिला की देव डोली हरिद्वार पहुंची। ढोल दमाओं के साथ हर की पौड़ी पर देव डोली को गंगा स्नान कराया गया। गंगा पूजन के दौरान हंस फाउंडेशन के प्रमुख भोलागिरी महाराज, माता मंगला के साथ ही महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी भी मौजूद रहे। मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि विश्व शांति और उत्तराखंड संस्कृति का विकास ही देव डोली यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम के साथ ही 1000 धार्मिक स्थल है। भगवान जगदीशिला की देव डोली को सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है और 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गंगा दशहरे के दिन इस यात्रा का समापन होगा। देखिए, ये विश्वनाथ जगदीशिला डोली है, ये इस समय 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ये पूरे उत्तराखंड में 10,500 किलोमीटर चलती है और गंगा दशहरा के दिन इसका टिहरी गढ़वाल के विश्वन पर्वत में इस यात्रा का समापन होता है। ये 25वें वर्ष की यात्रा में इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो और जो हमारी देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी मजहब के हैं, धर्म के हैं, पंथ के हैं, वो देव संस्कृतियाँ जिंदा रहनी चाहिए और उस दृष्टि से ये डोली जो पूरे उत्तराखंड में चलेगी, इसका मकसद ही यही है कि उत्तराखंड में चार धाम हैं, इसके अलावा 1000 धाम चिन्हीकरण का इसका संकल्प है। भाग्यशाली है कि हमारे उत्तराखंड में से ही देव डोली आई है और सभी यहाँ पे हर की पौड़ी में अगाध भीड़ है, असंख्य लोग दर्शनों के लिए आए हैं और ये डोली स्नान करके पूरे उत्तराखंड में अपना आशीर्वाद देते हुए हर गांव से जाएंगी। तो हम सबकी यही कामना है कि हमारा भारतवर्ष, हमारा उत्तराखंड उत्तम